नव भारत समाचार दिनेशपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। खबर का असर उस समय देखने को मिला जब आंध्र प्रदेश में रोजगार करने गए सैकड़ों फंसे हुए मजदूर आंध्र प्रदेश से अपने घर पहुंचे, जिसके बाद से फंसे हुए मजदूरों के परिजनों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो वही सभी मजदूर 14 दिनों के लिए गाँव में बने एक स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। वही स्वागत करने पहुँचे डॉक्टर राजीव महाजन का सभी मजदूरों ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और कहा कि अगर डॉक्टर साहब नहीं होते तो हम अपने गांव नहीं पहुंच पाते। गदरपुर के दिनेशपुर क्षेत्र के सैकड़ों मजदूर मजदूरी करने आंध्र प्रदेश गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद वह सभी मजदूर फंस गए, जिसके बाद से फंसे हुए मजदूर अपने घर वापसी की मांग सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे थे, जिसको हमारे टीवी चैनल ने प्रमुखता से लगातार दिखाया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजीव महाजन के सहयोग से आज फंसे हुए सभी मजदूर अपने गांव दिनेशपुर के सिरामपुर पहुंचे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजीव महाजन गाँव के स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर के पास गए और मजदूरों से 3 मीटर दूर खड़े होकर सभी का हाल चाल जाना, गांव में सकुशल पहुंचने के लिए बधाई दिया और मजदूरों से कहा कि अगर कोई भी मदद चाहिए तो आप हमें फोन पर बोल दीजिएगा। वही फंसे हुए मजदूरों ने डॉक्टर राजीव महाजन को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और कहा कि हम आंध्र प्रदेश काम पर जाकर फंस गए थे, जिसके बाद हमने हर जगह मदद की गुहार लगाई लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। जिसके बाद हमने डॉक्टर राजीव महाजन से मदद की गुहार लगाई तो उन्होंने हमें अपने गांव तक पहुंचाने के लिए हर संभव मदद की और तो और हमारे घर वालों को राशन भी दिया, इसलिए हम सभी मजदूर डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन ने कहा कि आखिरकार दिनेशपुर के फंसे हुए मजदूरों को घर में लाने का मिशन कामयाब रहा। इस मिशन में आंध्र प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार एवं बजरंग दल का बहुत सहयोग रहा। जब मुझे सूचना मिली कि फंसे हुए मजदूर दिनेशपुर पहुंचे और अपने गांव में क्वारंटाइन कर दिया गया, उसके बाद मैं वहां गया और सभी का हालचाल जाना, उनके लिए फल फ्रूट की व्यवस्था की। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि फंसे हुए लोग अपने गाँव वापस आए। अंततः आंध्र प्रदेश से दिनेशपुर क्षेत्र के मजदूरों को वापस लाने का मिशन कामयाब रहा। इस मिशन में उत्तराखंड सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन व संगठन के कार्यकर्ताओं का अतुलनीय योगदान रहा। जब मुझे सूचना मिली कि ये कार्यकर्ता बंधु दिनेशपुर में अपने गांव में क्वारंटाइन कर दिए गए हैं, तो मैं स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ गया, उनसे भेंट की। सूरज सरकार जी के नेतृत्व में 8 लोगों से भेंट की, उनकी कुशलक्षेम पूछी, फल वगैरह आदि की व्यवस्था करी और मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि ये बंधु सुरक्षित सरकार के कारण वापिस आ